देश इस समय कोरोना महामारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए ड्यूटी के दौरान नियमित तौर पर पीपी किट और मास्क पहनना जरूरी है। इन स्वास्थ्य रक्षकों के मास्क और पीपी किट को विषाणु रहित बनाने के लिए इंदौर के दो युवाओं ने स्वदेशी डिसइंफेक्शन मशीन बनाई है, जो पीपी किट, मास्क या अन्य उपकरणों को मिनटों में डिसइंफेक्ट कर देती है। इस मशीन को भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भी मान्यता मिल चुकी है। इंदौर के रहने वाले फार्मा स्नातक मोहित अग्रवाल और प्रतीक जैन ने इस मशीन को बनाया है। इस मशीन से मास्क और पीपी किट के अलावा सर्जन और पेशेंट गाउन, नर्स गाउन, चिकित्सक की एप्रन और अन्य उपकरण भी डिसइंफेक्ट किए जा सकते हैं। ये तीन स्टेज में वर्क करती है। पहले यूवी लाइट का ट्रीटमेंट है, फिर ओजोन का ट्रीटमेंट है, उसके बाद केमिकल नैनो फॉगिंग ट्रीटमेंट है। तीन स्टेज में करती है ताकि ये हम इंश्योर हो जाएं कि एटलीस्ट 99.9% बैक्टीरिया वायरस से कील हो। अगर कोई इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल के जिन्हें केमिकल ट्रीटमेंट से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो इस मशीन में बहुत इजीली किया जा सकता है। पीपी किट को बेहतर और त्वरित डिसइंफेक्ट करने के लिए ये मशीन तीन स्तरों पर काम करती है। पहले पीपी किट का यूवी रेडिएशन ट्रीटमेंट, इसके बाद ओजोन ट्रीटमेंट किया जाता है और आखिर में नैनो ड्राई वेपर ट्रीटमेंट पर ये मशीन काम करती है। पीसीयूवी 11 मॉडल नाम की ये मशीन पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल पैनल युक्त है। इन युवाओं की पहल कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स को थोड़ा आराम देने में कामयाब हो सकती है। इंदौर से KL जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल।